दुमका में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समाप्त हो गई। इस प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों और कई सेंटर से आई 60 टीमों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि कला, संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने विजेता और उपविजेता दोनों टीमों को ट्रॉफी प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने जीतने और हारने वाली दोनों टीमों के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। टूर्नामेंट का आज समापन हुआ और देश के 28 टीमों ने इसमें भाग लिया। साई की दोनों टीमें बॉयज एंड गर्ल्स मैं सभी को बधाई देता हूं। साथ ही साथ इस सफल आयोजन के लिए कबड्डी एसोसिएशन झारखंड की पूरी टीम को, यहां के स्थानीय उपायुक्त के नेतृत्व में पूरे ऑफिशियल्स को मैं बधाई देता हूं कि उन लोगों ने इस सुदूरवर्ती दुमका के क्षेत्र में इस बिना उतने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद उन्होंने इस राष्ट्रीय खेल को यहाँ संपन्न सफलतापूर्वक करवाया। देश की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में झारखंड की टीम भले ही लीग राउंड से ही मैच से बाहर हो गई हो, लेकिन जिस तरह से देश के अन्य हिस्सों से आए खिलाड़ियों ने अपना जोरदार प्रदर्शन किया, उससे यहां की युवा पीढ़ी में खेल के प्रति जागरूकता जरूर आई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा की रिपोर्ट। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? गुरु किसका भाग्य संवारेंगे? कैसा रहेगा राहु का गोचर? मंगल से किसे लगेगी ठोकर? मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।